बच्चों आज कक्षा 9 के गणित के अगला पार्ट प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 2.5 का जो प्रश्न है लिखा है सर्व समीका द्वारा प्रयोग करके निम्न को प्रसारित कीजिए। आज जो सर्व समीका आपको पढ़ना है, जो सर्व समीका आज आपको बताई जाएगी वो ये है x प्लस वाई प्लस जेड पूरे का होल स्क्वायर। कक्षा 8 में इसको आप पढ़े हैं तो ये होता है फार्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपको इसी सर्व समीका का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर 4 लगाया जाएगा। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है, लिखा है पहला प्रश्न x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसी को लगाना है। तो चलिए हम सर्व समीका लगाते हैं कि किसके फॉर्म में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। आगे प्लस 2x के स्थान पे x है, y के स्थान पे क्या है 2y है। ठीक, अगला देखिए प्लस 2y के स्थान पे है 2y, y के स्थान पे है 2y और इंटू जेड के स्थान पे है 4z। अगला प्लस 2z के स्थान पे है 4z इंटू x के स्थान पे क्या है x है। ठीक, तो अब इसको आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का 2y का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4z का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4xy हो जाएगा प्लस 2 दूना 4, 4 चौक 16yz हो जाएगा और ये 4 दूनी 8zx हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है इसका, इसी के अभ्यास का दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। लिखा है यफ वाला देखते हैं हम, लिखा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्रश्न में आपको दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, यानी कि 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे प्लस 2a भी होता है तो 2a के स्थान पे है 1/4a इंटू b के स्थान पे है माइनस 1/2b, 4a 2a भी हो गया प्लस 2xy हो गया, अब 2yz होता है तो y के स्थान पे है माइनस 1/2b और z के स्थान पे क्या है 1 है। आगे इसी में प्लस करके लिखेंगे 2z के स्थान पे तो 1 है और x के स्थान पे हमारा क्या है 1/4a है। जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 चौक 16a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 × 4b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1/4ab हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा और प्लस 1/2a हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है ना, और ये इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक, तो 1/2 बचेगा यहाँ पर। देखिए फिर से देख लीजिए, हमने लिखा ax स्क्वायर तो 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b के स्थान पे यहाँ देखेंगे माइनस लगा है तो माइनस अंदर लिख देते हैं माइनस 1/b का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर होता है तो z के स्थान पे क्या लिखा है 1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy होता है तो 2xy लिख दिए, ठीक है ना, 2 से 2 कट गया तो 1/4a
माइनस बी, ठीक है ना। तो ये माइनस वन अपान फोर ए बी हो गया। यहाँ देखिए टू वाई जेड होता है तो दो वाई के स्थान पे वन अपान माइनस वन अपान टू बी है, जेड के स्थान पे वन है तो टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या बचेगा बी बचेगा, तो माइनस हमारा क्या बच गया बी बच गया। प्लस लगा है यहाँ देखिए टू वाई जेड होता है तो वाई के स्थान पर एक है और जेड के स्थान पर वन, एक्स के स्थान पर क्या है वन अपान फोर ए है, तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँच। अब इसके जो इसके आगे के जो प्रश्न है इसी फोर में बी सी है, उसको आप इसी तरह लगाने का प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे। अब अगला हम प्रश्न नंबर पाँच देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँच है कि सर्व सविकाओं का प्रयोग करते हुए गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। पाँचवा प्रश्न है हमारा, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर पाँच, गुणन खंड ज्ञात कीजिए। तो गुणन खंड ज्ञात करना है, प्रश्न लिखा है, दो ही प्रश्न हैं इसमें। पहला प्रश्न बता दे रहे हैं आपको, लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24y जेड माइनस 16xz। ये प्रश्न आपको दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, तो गुणनखंड करना है। तो किसके द्वारा इसका गुणनखंड करेंगे हम? सर्व समीका द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? सर्व समीका द्वारा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। चलिए अब इसको अगर हम खोलेंगे तो दो दूना चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तीन तरीका नौ वाई स्क्वायर हो जाएगा, चार चौक सोलह जेड स्क्वायर हो जाएगा। प्लस अभी हमने एक सर्वसमिका पढ़ा है, जो सर्वसमिका हमने पढ़ा था देखे यहाँ लिख दे रहे हैं एक बार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ये हमने अभी सर्वसमिका पढ़ा है, इसी सर्वसमिका से इसका हम गुणनखंड कर दे रहे हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ तक तो लिख लिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आगे प्लस टू एक्स के स्थान पे क्या है हमारा टू एक्स है, इंटू वाई के स्थान पे क्या है थ्री वाई है। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो दो दूना चार तिहाई बारह, यहाँ देखिए, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, चलिए अब प्लस हमारा हो जाएगा टू और यहाँ हो जाएगा थ्री वाई और ये हो जाएगा फोर जेड, यहाँ हो जाएगा टू फोर जेड इंटू टू एक्स। चलिए अब देखिए हमारा, लेकिन इसमें यहाँ माइनस आ रहा है तो हम ये कहेंगे जहाँ जहाँ वाई है वहाँ हम क्या लिख दे रहे हैं, जहाँ जहाँ जेड है जेड का गुणा है वहीं वहीं क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारा ये बन गया है किसका 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर का, ये क्या बन गया है फार्मूला बन गया है। किसका फार्मूला बन गया है? 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर का क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया, यही हमारा क्या है आंसर है। इसी तरह आप दूसरा प्रश्न इसका करेंगे, नहीं आएगा तो आप तुरंत WhatsApp के माध्यम से पूछने का प्रयास करेंगे। तब तक को आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहें, जहां कोई समस्या हो आप पूछते रहें। धन्यवाद।